और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान की बैट ने यह घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान की इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। हथियारों से लैस पाकिस्तानी सेना की कोशिश थी, पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम जो है उसकी एक कोशिश थी, बैट टीम की कोशिश थी घुसपैठ करने की, बॉर्डर एक्शन टीम की एक कोशिश थी, हथियारों से लैस पाकिस्तानी सेना की एक घुसपैठ की कोशिश, लेकिन भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तानी बैट के ये सैनिक ढेर हो गए। शब्बीर मलिक नाम का पाकिस्तानी नागरिक इसमें मारा गया है। इस घुसपैठी के पास से हथियार, पाकिस्तानी रुपए भी बरामद हुए हैं, पाकिस्तानी पहचान पत्र भी मिला है। तो बैट की कोशिश थी, बॉर्डर एक्शन टीम की, और पाकिस्तान की सेना मदद करती रही है, मदद करती आई है हमेशा से, घुसपैठ के लिए, घुसपैठियों के लिए, आतंकियों के लिए, और उनको कवर फायर देती आई है। ये देखिए बैट की कोशिश थी और ऐसे में इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। ये पाकिस्तानी रुपए मिले हैं, पाकिस्तानी करेंसी मिली है, पाकिस्तानी पहचान पत्र मिला है। शब्बीर नाम का ये व्यक्ति है, पाकिस्तानी नागरिक है, पाकिस्तान का पहचान पत्र भी मिला है। तो एक बार फिर से ये पाकिस्तान का चेहरा सामने आया, पाकिस्तान का एक्सपोज सामने आया कि किस तरीके से आतंक को लगातार बढ़ावा देने की उसकी कोशिश सामने आती रही है। और उन लोगों के लिए एक और आईना जो अब भी पाकिस्तान से बात करने की या पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की बात करते रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कौन करता है, एक बार फिर से नजर आ रहा है पाकिस्तान की बैट की तरफ से घुसपैठ की कोशिश, लेकिन ढेर कर दिया क्या। और यू कैन से अ बैट अटेम्प्ट वाज अटेम्प्टेड इन द केरन सेक्टर ऑफ कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, दिस वाज यस्टरडे ऑन 1st of January। स्विफ्ट एक्शन बाय द ट्रूप्स डिप्लॉयड एट द लाइन ऑफ कंट्रोल फॉइल द बिड and eliminated the terrorist, later identified as Mohammed Shabbir Malik, a Pakistan national equipped with weapons and ammunition and warlike stores. तो मोहम्मद शबीर मलिक ये बताया गया है, और फिलहाल घुसपैठ की कोशिश थी, बैट सपोर्टेड ये अटेम्प्ट था, जिस तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया और उसके पास से पाकिस्तानी पहचान पत्र भी मिला है और शबीर मलिक उसका नाम बताया जा रहा है। और इस घुसपैठी को वहीं पर जो ट्रूप्स तैनात थे, जो हमारी जवान तैनात थे, उन्होंने वहीं पर इस अटेम्प्ट को फेल कर दिया और ढेर कर दिया इस आतंकी को। तो कुपवाड़ा के केरन सेक्टर की यह कोशिश थी, हालांकि बर्फ बहुत ज्यादा है इस वक्त, और यही पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन है। ऑपरेशन ऑल आउट में भी जो कहा था कि बेहद कम, 200 से भी कम आतंकी जो है पूरे जम्मू कश्मीर में रह गए हैं, पाकिस्तान के आतंकी जो है वो 80 से कम है, और एक एक करके चुन चुन कर जो है सबको अब उनके मुकाम पर पहुंचाया जा रहा है। तो उसी कोशिश में पाकिस्तान की तरफ से या इन आतंकी आकाओं की तरफ से फ्रस्ट्रेशन कि वो घुसपैठ नहीं कर पा रहे हैं, एक और कोशिश, लेकिन ये कोशिश नाकाम। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.